हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय लिटिल फेरी एंड गार्डन ऑफ पेट्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम गए थे मार्केट, दिवाली मार्केट में जो दिवाली मेला लगता है वहीं पे वापस गए थे। और आज हम लाए हैं कुछ प्लांट्स, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स का भी स्टॉल अभी नया लगा हुआ है और अभी 10 दिन ये मेला रहने वाला है यहीं पर। तो हम कुछ चीज़ें सामान लेके आए हैं दिवाली के लिए, और कुछ मैं अपने बच्चों के लिए हर्ब्स लेके आई हूँ, जिससे कि उनको सर्दी खांसी और उसमें जब भी उसका कुछ मेडिसिनल जरूर पड़े तो हम लोग उसको यूज़ कर सके। तो फ्रेंड्स, मैं लेके और कुछ टॉयज़ भी लेके आए हैं, जैसे कि ये है मैजिक बॉल, और दो टाइप के हम लोग लाए हैं, और ये रोज़ेस लाए हैं, और ये रोज़ बड़ा वाला लेके आए हैं। और इसमें भी हमने काफ़ी, मतलब ज़्यादा लेके आए थे, तो हमने मेरी बेटी के ये बाउल के अंदर और मेरे बाउल के अंदर लगा दिया है। तो ये देखिए मेरी बेटी ने कैसे बाउल भी तैयार कर रखा है, बर्नी में भर के ये जार में फिट करके रख दिया है उसने। और ये दिया लेके आए हैं, तो जिसमें 5 दिया है, बाटी है और कलर है, फ्लोटिंग दिया जिसको बोलते हैं वो। और ये देखिए उसका जो डायनासोर और फिश एंड रोज़ को अभी उसने फूलने के लिए रख दिया है, तब ये वाटर में फूल जाएगा। और देखिए मैं प्लांट्स में क्या क्या लेके आई हूँ। ये है तेज पत्ते का प्लांट, जिसको कि मैंने नर्सरी में पूछा था तो मुझे 150 रुपये बोले थे, और मैं 20 रुपये में ही, 20 या 30 रुपये में ही उसको परचेस करके लाई हूँ। और ये रहा लिंडी पीपर का प्लांट, जिसको छोटी पीपर के नाम से जानते हैं हमारे गुजरात में, उसको लिंडी पीपर बोलते हैं। और देखिए उसके ऊपर ये पीपर भी आई हुई है, तो उसका मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा होता है। जब जैसे कि सर्दी खांसी होती है, बच्चों को उसको पीस के शहद में घोल के उसको पिलाया जाता है। और ये रहा ये जो काली मिर्च होती है उसका प्लांट, तो काली मिर्च का प्लांट मैं ज़मीन में ग्रो करूँगी अपने नए घर जाके। और ये काली मिर्च का पत्ते जैसे पान के पत्ते होते हैं ऐसे ही खूबसूरत हैं, और बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके ऊपर जब काली मिर्च आती है, जो पहले ग्रीन कलर की होती है फिर रेड कलर की, और धीरे धीरे उसको कलर डार्क हो जाता है, तो ये खूबसूरत दिखता है। तो इसको मैं ज़मीन में ग्रो करूँगी, या फिर उसको मैं स्टिक लगा दूँगी, मॉस स्टिक, और उसको ऐसे ही रखूँगी। तो ये बेहद खूबसूरत तीनों प्लांट लेके आई हूँ, और 2 टाइप के प्लांट दूसरे लाई हूँ। टोटल तीन प्लांट है, जिसमें 2 टाइप के प्लांट है। इसमें भी है सिल्वर स्पार्कल के 2 लेके आई हूँ, क्योंकि ये अभी ट्रेंड में हमारे यहाँ पे आया नहीं है, और उसकी जो बास्केट आती है वो काफ़ी महंगी आती है, और ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है तो मुझे 20-30 रुपये में मिले हैं। और ये है पीलिया डिप्रेसा, तो उसका प्लांट भी हमारे यहाँ पे बास्केट में ही मिलता है, तो मैं इसका भी प्लांट कल लेके आई थी। फिर आज हम वापस गए थे, तो टोटल मेरे पास 3 प्लांट हो गए। और ये लेकर आई हूँ गार्डनिंग के लिए, कि स्प्रे करना हो कुछ भी, वाटर स्प्रे करें या दवाई छिड़के हम लोग, जब मिलीबग वगैरह हो जाता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि जब हम प्लांट को पानी नहीं देना चाहते हैं लेकिन उसके अंदर से जो एफिड्स लगे हुए हैं उसको भगाना हो, तो उसके जो उसके ऊपर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पानी लंबे टाइम तक उनके रूप में बना रहता है। और हम उसको पानी से स्प्रे करेंगे ज़्यादा, तो पाइप से स्प्रे करेंगे तो वो पानी रूट में जाएगा और ओवर वाटरिंग हो जाएगा। तो ऐसा स्प्रेयर जो होता है जिससे पत्ते सिर्फ धुलते हैं, ना कि उसकी जड़ों में पानी जाता है और ओवर वाटरिंग नहीं होता है। तो हम इतनी चीज़ लेके आए हैं, और हमने दिवाली की जो बची खुची शॉपिंग है वो आज कर डाली है। तो मेरी ये कल की एक विज़िट में ये प्लांट ख़रीदा था, और बाकी का सब सामान आज ख़रीदा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास कितने सारे प्लांट्स हो गए हैं, जो सस्ते मैंने चीप, एकदम चीप रेट में लेके आई हूँ, जो सिर्फ फिर 200 रुपये की शॉपिंग है, 200 रुपये की ये जो शॉपिंग है प्लांट की। और मुझे ऑनलाइन ये सिल्वर स्पार्कर का एक बास्केट की कीमत मुझे बोले थे 350 रुपये प्लस 125 रुपया उसका शिपिंग चार्ज था, और हमारे यहाँ पे तो ऐसा ये प्लांट मिलता है ही नहीं, अभी तक आया नहीं है ट्रेन में। तो ये मुझे प्लांट बहुत चीप रेट में मिल गया, और उसकी छोटी सी कटिंग बहुत आसानी से लग जाता है, तो प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाएगा मेरे यहाँ पे, तो इसकी पूरी बास्केट भर जाएगी। तो फ्रेंड्स,
बस यही शॉपिंग मेरे को शेयर करनी थी आपके साथ में कि हम लोग कभी कभी प्लांट्स के ज़्यादा रेट्स दे देते हैं, लेकिन ये आते हैं सिर्फ 20-30 रुपये का प्लांट। और ये बताइए, ये मेरे मेरी मेरी डॉटर की ये जार बनाई हुई कैसी लग रही है, क्योंकि उसको ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और ये इन्हीं के लिए मैंने सब परचेज हम लोगों ने किया है, तो बताइए फ्रेंड्स कैसा लग रहा है। और ये देखिए मेरी डॉटर की छोटी छोटी टॉयज, सो प्रीटी ना। तो फ्रेंड्स आपको मेरी आज की शॉपिंग अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ बेल बटन बनाना दबाना मत भूलिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा मुझे बोलने में तकलीफ़ हो रही है तो उसके लिए सॉरी।